हमारी पार्टी के रीढ़ है हजारों हजार भाजपा कार्यकर्ता, वे व्यक्ति के लिए नहीं कमल के लिए करते हैं काम, कहा भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने कार्यकर्ताओं से कहा कि अब उन्हें अपने पार्टी के लिए एक बार फिर समर्पण भाव दिखाना होगा। हमारा लक्ष्य है प्रदेश में चौथी बार 200 पार भाजपा सरकार। कार्यकर्ताओं से कहा कि आप सब पार्टी की ताकत और रीढ़ हैं, आपकी ही बदौलत आज पार्टी इस मुकाम पर है। हम आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आगामी 15 अक्टूबर को एक दिवसीय प्रवास पर रीवा आ रहे हैं। इस दौरे की व्यवस्था का प्रभारी भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा को बनाया गया है। श्री झा इसी व्यवस्था को अंतिम मूर्त रूप देने 3 दिवसीय प्रवास पर रीवा में हैं। अपने इस कार्यक्रम में श्री झा ने अटल कुंज स्थित भाजपा कार्यालय में स्थानीय कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उनका कहना था कि आपकी मेहनत की बदौलत पूरे विंध्य में भाजपा का कमल लगातार 15 वर्षों से खिला हुआ है। एक बार फिर आप सबको जनता के बीच जाकर केंद्र व प्रदेश सरकार की नीतियों व योजनाओं के बारे में सबको अवगत कराना है, ताकि चौथी बार फिर आए आपकी भाजपा सरकार। प्रभात झा ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि हर मतदाता को वे विभिन्न बिंदुओं के बारे में अवगत कराएं, ताकि सबका साथ और सबका विकास करने वाली भाजपा का साथ सभी मतदाता दें। आइए देखते हैं और क्या कहा भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने। उपवास करो, धरने में बैठो, कि भगवान ने कहा भैया ये 50 साल कर लिए लोगों ने, अब कांग्रेस 50 साल करे और भारतीय जनता पार्टी सत्ता के माध्यम से समाज की सेवा। भगवान खुश है तो आप इंसान क्यों नहीं खुश हो भैया? भगवान मौका दे रहा है, इस मौके का हम सबको अपने अपने अंतर आत्मा से साक्षी बनकर बिना कहे कमल के लिए काम करें। हम सब कुछ हो सकते हैं आपके आखिरी वाक्य, हम आपके भाग्य नहीं हो सकते, हम आपके नियंता नहीं हो सकते, हम निमित्त हो सकते। और जो लोग राजनीति में अपने को नियंता मानते हैं वो धोखा खा, और इसलिए भगवान कार्य कर रहे हैं, हम आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं, ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं, इसीलिए अमित शाह जी भी आ रहे हैं। आप सब लोग मिलजुल कर जो उन्होंने सपना दिखा है वो सपना साकार करेंगे, चौथी बार भाजपा सरकार। अब फिर से कहिए, अब की बार बोले भारत माता की जय।